हेलो गाइस, तो स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल ट्रैवल बंदी में और मैं हूं आपका होस्ट अजीत। तो गाइस, आज का जो व्लॉग है वो है लखनऊ के एक नए वायरल प्लेस का। जी हां, मैं बात कर रहा हूं हनुमंत धाम की। तो चलिए जानते हैं बहुत कुछ इस अनोखी जगह के बारे में। और ये मेट्रो ट्रेन यहाँ से जा रही है क्योंकि यहाँ पे गोमती नदी है, इसके ऊपर एक ब्रिज है और हमेशा जब भी एक ट्रेन क्रॉस करेगी तो दूसरी ट्रेन इसके सामने से क्रॉस करती हुई आपको नजर आएगी, क्योंकि आपको दिख रही होगी ये लखनऊ मेट्रो है यहाँ से जाते हुए। ये जो फ्रंट में आपको दिखाई दे रहा है ये है क्लार्क अवध, होटल क्लार्क अवध, और इसके जस्ट सामने हनुमान धाम है जहाँ पर मैं ऑलरेडी खड़ा हुआ हूँ। और इसके बैक साइड में है रिवर साइड जहाँ पे आप टूरिस्ट को बोटिंग करते हुए इंजॉय करते हुए देख सकते हैं। गाइस, मैंने सुना था यहाँ का जो बोटिंग का सीन है ना वो गजब का है, तो आइए आपको दिखाते हैं यहाँ पे बोटिंग कितने रुपए की। तो आई थिंक चार्जेस यहाँ पे 20 रुपीज़ पर 4 पर्सन है, आप उसमें 2 पर्सन बैठे 4 पर्सन बैठे, बात एक ही है, 200 रुपये वो आपसे चार्ज करेंगे और जितनी दूर आपको घूमना है उसके हिसाब से भी चार्ज करेंगे। तो आप डिसाइड करेंगे कि आपको कितनी दूर तक राइड करनी है, कौन सी राइड, बोट राइड है ना। चलिए आपको दिखाते हैं क्या क्या बेहतरीन चीज़ें यहाँ पे देखने के लायक। भाई बोटिंग का कितना पड़ता है? मान लो 2 ही लोग है तो। अच्छा, 2 बैठालते हो? है? 2 बैठालते हो, 4 बैठालते हो? नहीं, आप ही लोग को ले चलेंगे। अच्छा, फिर और लंबा घूमने 300-400 और लंबा घूमने 500-600। लखनऊ के हनुमान धाम की स्थापना यानी कि एस्टैब्लिशमेंट गुरु नरसिंह दास जी ने करवाया था। तो गाइस, अब बात करते हैं इस प्लेस की लोकेशन के बारे में। शहर के बीचों बीच बेगम हजरत महल पार्क से मोती महल लॉन की तरफ आते वक्त बीच में हनुमान धाम का बोर्ड आपको दिखाई दे जाएगा। चंद सीढ़ियां, छोटा सा दरवाजा देखकर प्लीज कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि एक बार अंदर पहुंचने के बाद आपके सारे कंफ्यूजन दूर हो जाने वाले हैं। और मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूं कि यह मंदिर देखने के बाद आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। गाइस, ये जो फ्रंट में आपको दिख रहा है ये क्लार्क अवध की बिल्डिंग है और इसी के जस्ट सामने बना हुआ है हनुमान धाम। ये बहुत ही गजब का मंदिर है। लुक एट द स्ट्रक्चर। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ नवग्रह, ये नवग्रह है यहाँ पे। तो अब बात करते हैं इस मंदिर की कुछ खूबियों के बारे में। आपके कदम जिधर भी पड़ेंगे यकीन मानिए आपको हर कहीं जर्रे जर्रे में हनुमान जी के दर्शन होंगे। कहीं शिवलिंग को गले लगाए हुए हनुमान जी, तो कहीं राम कीर्तन में मगन हनुमान जी। तो गाइस, आपको सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात ये बता दूं कि यहाँ छोटे बड़े सब मिलाकर करीबन 125,000 हनुमान जी आपको देखने को मिलेंगे। नीचे मौजूद पूर्वमुखी हनुमान जी सिद्धपीठ है जिसे करीबन 400 साल पुराना माना जाता है और नए गर्भगृह में दक्षिणमुखी हनुमान जी की स्थापना की गई है। गाइस, ये है यहाँ का हनुमान धाम। बैक साइड में आपको पूरा व्यू दिख रहा है, मैं टॉप से खड़ा होकर आपको दिखा रहा हूँ। और ये पीछे ना मेट्रो का ओवर ब्रिज है, पीछे आपको गोमती नदी दिखेगी और नीचे आपको हनुमान धाम दिखेगा। तो कमेंट में जाके जरूर बताइए कि आप यहाँ पर अभी तक आपने विजिट किया है, अगर नहीं किया तो प्लीज़ आइए, और अगर आप ऑलरेडी कर चुके हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाके बताइए कि प्लेस आपको कैसा लगा। सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए और नदी की तरफ बढ़ते हुए आपको ये जगह ऐसी दिखाई देगी कि मानो कोई पुरानी बसी हुई देवताओं की नगरी हो। तो गाइस, कभी आप आंखें बंद कर ध्यान लगाना चाहते हो, चलते चलते थक गए हैं, तो यहाँ पर बैठकर सुकून का एहसास करिएगा। और सुकून के मामले में इस जगह से बेहतर जगह और कोई नहीं हो सकती। इस मंदिर की डिजाइन को हकीकत बनाने में राजस्थानी कारीगरों की मेहनत व हुनर ने कमाल दिखा दिया। ये आर्किटेक्चर देखिए जरा, दीवारों पर उकेरी गई पेंटिंग भी स्टोन की बनी है जो कि सदियों तक टिकी रहेंगी। इसी जगह योगी आदित्यनाथ जी ने 108 फीट ऊंची हनुमान जी की मूर्ति का शिलान्यास किया था जिससे पूरा होने में अभी भी करीबन 2 साल और लग जाएंगे। और सोचिए जरा कि क्या नजारा होगा वो कि जब एक कोने में 151 फीट ऊंची लक्ष्मण जी की प्रतिमा होगी तो दूसरी तरफ 108 फीट ऊंची हनुमान जी की प्रतिमा होगी। वैसे भी लखनऊ शहर का नाम लक्ष्मण जी के नाम से ही पड़ा था, तो
इस प्लेस को देवराहा घाट के नाम से भी जाना जाता है। तो आपको ये व्लॉग कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं आपसे अगले धमाकेदार व्लॉग में।